सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। मैं आज आपके समक्ष थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर, उसमें आज अपन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में आगे बात करेंगे। कल तक हम लोगों ने बात की थी कि किस प्रकार से जो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेज हैं उसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा जो है उसकी हम गणना करते हैं। हमने एक बात की थी कि क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की जो गणना है उसमें विशेष रूप से D1, D2, D3, D8, D9 और D10 इस प्रकार का जिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर या मेटल एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है उनके लिए जो है हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की गणना जो है वो किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में हमने कल बात की थी। और हमने ये बात की थी कि ये जो D1, D2, D3, D8, D9 और D10 ये जो 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास युक्त मेटल एटम जो हैं, मेटल आयन वाले कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, इनके अंदर जो लिगेंड्स हैं उसकी स्ट्रेंथ से ये मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो है उनका कॉन्फिग्रेशन जो है वो निर्धारित नहीं होता। यानी कि चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट हो या वीक फील्ड लिगेंट हो, दोनों केसेस में जो है वो मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन फ्री स्टेट में या आइसोलेटेड स्टेट में और मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जो कि कॉम्प्लेक्स में है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये बात हमने लोगों ने कल की थी और उसी आधार पर हमने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या जिसको स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं उसको हमने ज्ञात किया था। आज हम यही इसकी गणना जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बात करेंगे। और आज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वो हैं D4, D5, D6 एवं D7। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन युक्त जो मेटल आयन हैं उनके कॉम्प्लेक्सेस में किस प्रकार से हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा है ज्ञात करते हैं। देखिए कल आप लोगों ने कल अपन ने जब चार्ट बात की थी तो हमने इस बारे में भी बात की थी कि जो D4, D5, D6 और D7 है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन युक्त जो मेटल एटम है या मेटल आयन्स हैं उसके अंदर जो है दो स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति होती है जब वीक फील्ड लिगेंट हो तब, और एक स्थिति है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट हो। तो हम दोनों स्थितियों के अंदर किस प्रकार से CFSC का मान ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करेंगे। आपको ध्यान होगा कि कल हमने CFSC के फॉर्मूले के बारे में भी बात की थी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है -0.4 x इंटू +0.6 y ब्रैकेट क्लोज प्लस a इंटू पाई। ये फॉर्मूला जो है जिसके बारे में कल हमने बात की थी और आज भी हम इसको अभी आगे देखेंगे। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए हम जो है T2g और EG में जो इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध हैं उसके आधार पर जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करेंगे और फिर CFSC की गणना उसके आधार पर हम करेंगे। तो अष्टफलकीय D4, D5, D6 एवं D7 विन्यास के लिए CFSC की गणना, कैलकुलेशन ऑफ CFSC फॉर ऑक्टाहेड्रल D4, D5, D6 एंड D7 कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए तीन इलेक्ट्रॉनों द्वारा T2g कक्षकों के अर्धपूर्ण भरे जाने के बाद, देखिए T2g कक्षक में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अगर अष्टफलकीय संकुल है तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे D1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, D1, D2, D3 ये तीनों प्रकार के तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो T2g कक्षकों में भरे जाएंगे। अब तीन इलेक्ट्रॉन जब T2g कक्षकों में भर गए फिर चौथे के लिए हमारे पास में ऑप्शन आता है कि वो T2g में ही भरा जाए, यानी उस इलेक्ट्रॉन का चक्रण हो, या वो EG कक्षक में जाए। तो तीनों इलेक्ट्रॉनों द्वारा T2g कक्षकों के अर्धपूर्ण भरे जाने के पश्चात चौथा इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के T2g कक्षक या उच्च ऊर्जा के EG कक्षक में स्थान ग्रहण कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि लिगेंड प्रबल क्षेत्र वाले हैं या दुर्बल क्षेत्र वाले। तो ये जो ऑप्शन है ये इसमें ऑप्शन में से कौन से में इलेक्ट्रॉन कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करने वाला है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो लिगेंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। अब हम बात करते हैं पहले वीक फील्ड लिगेंड के बारे में। वीक फील्ड लिगेंड के अंदर वो लिगेंड जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि T2g और EG इलेक्ट्रॉन के मध्य, T2g और EG ऑर्बिटल्स के मध्य ज़्यादा स्प्लिटिंग हो सके।
तो ऐसा जो लिगेंड होता है उसको हम दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं। तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड से बने संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको अपन डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, का मान औसत युग्मन ऊर्जा या एवरेज पेयरिंग एनर्जी से कम होता है। यानी कि पाई जो है उसका मान ज़्यादा है सीएफएस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ से। अतः इलेक्ट्रॉन अर्धपूरित T2g कक्षकों में युग्मित होने की बजाय इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब ये डेल्टा ओ की वैल्यू जो है वो कंपैरेटिवली कम है और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो क्या करेगा, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो T2g कक्षकों में युग्मित होने की बजाय EG कक्षकों में जाना चाहेगा। वो उच्च ऊर्जा युक्त जो EG कक्षक हैं उनमें जाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन के युग्मन के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ रही है, और जबकि उनके बीच का जो ऊर्जा अंतर है वो कम है। T2g और EG के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है जिसको हम डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं वो कम है। इसलिए अतः दुर्बल क्षेत्र युक्त लिगेंड के संकुलों का अतः दुर्बल क्षेत्र युक्त लिगेंडों के संकुलों का विन्यास विलगित धातु आयन के समान होता है। मतलब जो वीक फील्ड लिगेंड वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मेटल का, वो वैसा ही होगा जैसा कि एक इंडिपेंडेंट या आइसोलेटेड मेटल आयन में होगा। तथा संकुलों में पाया जाने वाला अनुचुंबकत्व भी, मतलब जो पैरामैग्नेटिज्म है कॉम्प्लेक्स में, वो भी विलगित धातु आयन के बराबर होता है, वो भी जो है आइसोलेटेड मेटल आयन के बराबर होता है। इसको देखिए अपन किस प्रकार से, यहाँ देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो टेबल है इसमें सबसे पहला जो कॉलम है वो है धातु में डी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हमने जैसे D4 की बात की, फिर उसके बाद में है दुर्बल क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2g का और EG का लिखा, अलग अलग हमने लिखा है। और फिर आगे हमने जैसे अपन ने बात की थी CFSC कैलकुलेशन कैसे करेंगे, -0.4x प्लस 0.6y ब्रैकेट क्लोज डेल्टा ओ प्लस ए पाई। ए इज नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ए आर नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उन युग्म की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं युग्मित, उनकी संख्या को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो D4 के अंदर जैसे मान लीजिए T2g में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहां पर क्योंकि वीक फील्ड क्षेत्र है यानी लिगेंड जो है वो वीक फील्ड है और उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा नहीं है, तो क्या होगा, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो EG में चला जाएगा और इस कारण से इसके CFSC की वैल्यू जो आएगी वो -0.6 डेल्टा ओ आएगी, जो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से D5 जो है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल का होगा तो जो वीक फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में जो मेटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इसी प्रकार होगा, यानी कि T2g में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर और उसके लिए जो CFSC की वैल्यू होगी वो 0 होगी। फिर D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, इसमें पहले सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड सब में ऑक्यूपाई हो गए, यानी कि T2g में 3 और EG में 2, और फिर अब जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया छठा इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस T2g में आ जाएगा। तो इस तरह से इसके लिए फिर CFSC की वैल्यू भी हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू होगी -0.4 डेल्टा ओ प्लस पाई। फिर D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके लिए T2g जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा T2g में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और EG में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से इसके लिए CFSC की वैल्यू जो है वो -0.8 डेल्टा ओ प्लस 2 पाई होगी। तो क्योंकि यहाँ पर 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इसलिए यहाँ ए के स्थान पर 2 रखेंगे। तो इस तरह से हम इन चारों में देख सकते हैं कि जो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हैं उसके कारण से जो मेटल एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो वही रहता है जो उसकी आइसोलेटेड स्टेट में रहता है। फिर हम दूसरी अवस्था की बात करते हैं, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड से बने संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान औसत युग्मन ऊर्जा यानी एवरेज पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होता है, जिसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पाई। अतः इस स्थिति में क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्धपूरित T2g कक्षक में युग्मित होना चाहेंगे, क्योंकि युग्मन हेतु कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो ज़्यादा स्प्लिटिंग कर देते हैं, तो T2g से इलेक्ट्रॉन को Eg में ले जाने के लिए हमें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो पेयरिंग एनर्जी से बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर होना चाहेगा, वो युग्मित होना चाहेगा बनिस्पत के वो ऊपर Eg जो है लेवल पर जाने की जगह पर, तो इसलिए जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर युग्मित हो जाता है। अतः प्रबल क्षेत्र युक्त लिगेंड संकुलों का विन्यास विलगित धातु आयनों से भिन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले जो कॉम्प्लेक्सेज हैं उसमें मेटल एटम या मेटल आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वो आइसोलेटेड मेटल आयन से अलग होता है। क्यों अलग होता है, क्योंकि आइसोलेटेड में तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉर्मली अपनी जो स्टेट में है उसी में रहेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। इसी प्रकार से प्रबल क्षेत्र लिगेंड युक्त संकुलों में अनुचुंबकत्व भी विलगित धातु आयन के अनुचुंबकत्व से भिन्न होता है। जैसा हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है उनकी पेयरिंग जो है होने के कारण क्या होता है, जो मेटल आयन्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो ज़्यादा रहेंगे और यानी ज़्यादा जो है वो फ्री होंगे, और जबकि कॉम्प्लेक्स के अंदर वही मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर्ड कंडीशन में होंगे, तो इसलिए जो पैरामैग्नेटिज्म होगा वो दोनों में अलग अलग होगा। यानी कि जो आइसोलेटेड मेटल एटम है उसमें पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा और कॉम्प्लेक्स के अंदर पैरामैग्नेटिज्म या अनुचुंबकत्व जो है वो कम होगा। देखिए अपन इसको यहाँ पर इसको डायग्राम से इस तरह देख सकते हैं इस टेबल की सहायता से। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फिर बीच में प्रबल क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2g और Eg में किस प्रकार से रहेगा, और उसके बाद में CFSE की कैलकुलेशन है। तो देखिए D4 के अंदर सबसे पहले T2g के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर पेयर्ड हो जाता है, तो इसलिए जो CFSE की कैलकुलेशन है जो फॉर्मूले में दी है उसके हिसाब से आती है -0.6 डेल्टा ओ प्लस पाई, क्योंकि यहाँ एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसलिए पाई आएगा, यानी ए की वैल्यू 1 है। D5 के अंदर जो है T2g के अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसलिए जो CFSE की वैल्यू आएगी वो आएगी -2 डेल्टा ओ प्लस 2 पाई, क्योंकि यहाँ दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ए की वैल्यू 2 है, तो इसलिए 2 पाई आ गया। D6 के अंदर क्या है, T2g के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हो जाएंगे, तो इसलिए जो CFSE की वैल्यू आएगी वो आएगी -2.4 डेल्टा ओ प्लस 3 पाई, क्योंकि यहाँ 3 जो है इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं। और फिर चौथा है D7, जिसके अंदर भी T2g के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो Eg में जाएगा, तो इसके लिए CFSE की वैल्यू जो कि हमने फॉर्मूले से ज्ञात की है वो आएगी -1.8 डेल्टा ओ प्लस 3 पाई। यहाँ पर 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं इसलिए यहाँ ए की वैल्यू 3 होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों के लिए जो है लिगेंड्स के लिए हम CFSE की वैल्यू यहां पर हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, किसी भी धातु आयन द्वारा लिगेंड की प्रकृति अर्थात दुर्बल क्षेत्र अथवा प्रबल क्षेत्र के आधार पर ही उच्च चक्रण संकुल अथवा निम्न चक्रण संकुलों का निर्माण किया जाता है। तो देखिए मेटल एटम्स जो हैं वो तो सब में कॉमन है, लेकिन अब लिगेंड्स जो हैं उसके नेचर से ये डिसाइड होगा कि किस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे या लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। लिगेंड्स अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड लिगेंड है उसके बेसिस पर ही ये उसके आधार पर ये निर्धारित होगा कि उच्च चक्रण युक्त संकुल बनेंगे या निम्न चक्रण युक्त संकुल बनेंगे। तो देखिए प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में, जैसे साइनाइड है हम कह सकते हैं, कार्बोनाइल है, CO है, ये एक प्रबल क्षेत्र लिगेंट है, इनकी उपस्थिति में क्या होगा, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, डेल्टा ओ वुड बी ग्रेटर देन पाई, यानी डेल्टा ओ वुड बी ग्रेटर देन एवरेज पेयरिंग एनर्जी, उस कंडीशन में निम्न चक्रण संकुलों का निर्माण होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं T2g ऑर्बिटल्स के अंदर, तो वहां पर जो चक्रण है वो निम्न हो जाता है, कम हो जाता है। इसी प्रकार हैलोजन लिगेंट जैसे दुर्बल लिगेंडों की उपस्थिति में जो CFSE की वैल्यू है, सॉरी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है उसकी वैल्यू कम होती है, इसलिए क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च ऊर्जा वाले T2g से Eg कक्षकों में चले जाएंगे और वहाँ पर जो है
उच्च चक्रण संकुलों का निर्माण होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो बनते हैं। इस प्रकार से लिगेंटों की प्रकृति जो है वो संकुलों का स्थायित्व यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा एवं उनके चुंबकीय गुणों का निर्धारण करती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो नेचर ऑफ लिगेंट है वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है। तो इस तरह से हमने आज बात की है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की कैलकुलेशन हम किस प्रकार से ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।